बानवट आप देख रहे हैं उर्दू को, नाज़रीन जश्न आज़ादी के हवाले से लिबर्टी चौक में आप देखें तो ट्रैफिक पुलिस वार्डन, लेडी ट्रैफिक पुलिस अफसरान हैवी बाइक्स पर सवार हो चुके हैं। ये जितने भी वार्डन हैं इनके अफसरान हैं, इन्होंने अपनी अपनी हैवी बाइक्स पर सीटें संभाल ली हैं और आज अब रैली का इनकार किया जा रहा है, रैली शुरू होने वाली है। और जितने भी अफसरान हैं, सीटीओ साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुस्तनसर फिरोज साहब वो अपनी गाड़ी में मौजूद हैं, जबकि बाकी सीनियर अफसरान और एसपी सदर हैं इकराम साहब, तो इनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर रैली के बारे में कुछ बताइएगा। रैली हमारी ट्रेडिशन है, हम हर साल उनसे सिटी ट्रैफिक पुलिस में पार्टिसिपेट करती है, हम भी पाकिस्तानी शहरी है, हमें भी उतना ही हक है। आप पहली बार चलाते हैं वैसे? जी चलाते रहते हैं, पहली बार चला? नहीं पहले चलाते रहते हैं। ठीक है, आपकी रैली हम साथ साथ कवर करते हैं। तो सर ये नाज़रीन देख रहे हैं आप कि एसपी साहब बैठे हुए हैं, एसपी सदर ट्रैफिक पुलिस हैं जो कि इस रैली को लीड कर रहे हैं। इनके पीछे आप देखिए दबंग लेडी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक की हैं और सब अपनी हैवी बाइक पर सवार हैं और कौमी परचम हर हैवी बाइक के साथ मुंसलिक है। इस रैली का आगाज हो चुका है और ये स्लो स्लो रैली चलना शुरू हो चुकी है। लिबर्टी से ये रैली स्टार्ट हो रही है और ये रैली स्टार्ट हो गई लिबर्टी चौक से जा रही है सिद्दीक ट्रेड सेंटर की तरफ। ये आप देखते हैं हम इस रैली के साथ साथ आपको करते हुए दिखा रहे हैं। इस रैली के साथ ये आप देख सकते हैं कि एक कौमी यकजहती का पैगाम दिया जा रहा है। बहुत अच्छे मनाजर हैं कि सब ट्रैफिक वार्डन जिनमें लेडी ट्रैफिक पुलिस वार्डन भी शामिल हैं, सब हैवी बाइक पर सवार हैं, हर हैवी बाइक पर कौमी परचम फिक्स किया हुआ है। ये रैली शुरू हो चुकी है, अब ये रैली जो जा रही है आप देख सकते हैं बराह रास्त मनाजिर रैली जा रही है यहाँ पे सदीक ट्रेड सेंटर की तरफ, हफीज सेंटर से होते हुए ये मेन मार्केट की तरफ जा रही है। और इस रैली में बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 करीब जो ट्रैफिक वार्डन हैं उनकी शिरकत है और ये रैली आपको दिखा सकें तो रवाना हो चुकी है। यहाँ से हम भी इस रैली के साथ साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर रैली के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंतजाम किए गए थे, आप देखें कि इस पूरी रोड को क्लियर करवाया गया है इस रैली के लिए, ट्रैफिक पुलिस की जो रैली जा रही है। और आप देख सकते हैं इसके बराह रास्त जो मनाजिर हैं दूसरी तरफ रोड क्लियर की गई है और ट्रैफिक पुलिस की जो पेट्रोलिंग फोर्स है वो वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है जहाँ से इस रैली ने वापस आना है। ये आपको दिखा सकें ट्रैफिक पुलिस की जो रैली है स्लो स्लो जा रही है और जश्न आज़ादी के हवाले से ये एक पैगाम दिया जा रहा है यकजहती का। ये आगे से यू टर्न लिया जा रहा है, पहले हफीज सेंटर से पहले जो यू टर्न है वहाँ से लिया जा रहा है। वक्त की किल्लत की वजह से जो इसका डिस्टेंस है वो कम कर दिया गया है और हम आपको दिखा सकें कि ट्रैफिक पुलिस की जो रैली है ये यू टर्न लेके वापस आने वाली है और आपको दिखा सकें कि ये जो रैली जा रही थी जो कि अपने मंजिल की तरफ रवा दवा है। इस रैली में जो ट्रैफिक पुलिस के अफसरान हैं वो अपनी गाड़ियों पे वापस मुड़ चुके हैं और जो हैवी बाइक्स की जो रैली है वो भी साथ साथ है। आपको ये बराह रास्त नज़र दिखा रहे हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस की जो रैली निकाली गई है इसके जिसमें 50 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन हैं जो हैवी बाइक्स पर सवार हैं। और ये देखें ये यू टर्न ले लिया गया है, अब ये रैली वापसी की तरफ जाने वाली है। बराह रास्त नज़र रुक के बीच में चूँकि आप देख सकें सब ने कौमी परचम और शहरियों ने भी इसमें शिरकत की है, आम शहरी भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। और शहरियों की तरफ देखा जाए तो जो राहगीर हैं वो भी अपनी मोटरसाइकिलें लेके साथ साथ आ गए हैं और कुछ लोग अपने तौर पे भी इस मूवमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। देखिए क्या एक मनाज़र हैं जश्न आज़ादी के, ये जश्न आज़ादी की रौनकें हैं और जिसके लिए आज एहतमाम किया गया था जश्न आज़ादी के हवाले से। और जिस तरह आप देख सकें क्यू में आ रहे हैं प्रॉपर एक लाइन में ये रैली निकाली जा रही है और रैली जो है अपना पहला राउंड मुकम्मल करके आ गया और ये वापसी की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह आपको दिखा सकें ये इनमें शहरी भी हैं, आप देखिए शहरी भी साथ साथ जा रहे हैं, शहरी भी इन्हें शिरकत कर रहे हैं, फैमिली के साथ आए हुए हैं और जिन्होंने अपने बच्चों को कौमी परचम हाथों में थमाए हुए हैं और शहरी भी साथ साथ इस रैली के साथ साथ जा रहे हैं। ये जो मार्केट है
उससे पहले ही यू टर्न लेके दिल्ली वापस आ गई है। और चुके वक्त 11 बजे का था, कुछ तखीर हुई क्योंकि आगे भी काटा गया। और ये रैली जो कि जारी है, और इस तरह की रौनकें लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में जगह जगह जा रही है। पाकिस्तान के दिन को बड़ी भरपूर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। अपने मेजबान उस्मान भट्ट को इजाजत दीजिएगा।